सरवती का विवाह, कोट कंपिल की लड़ाई, फूल सिंह पंजाबी से संग्राम, राजा नल और रानी मोतनी अपने माता पिता की कैद कोट कंपिल से छुटा करके लेके आएंगे। बड़ा अच्छा। दिल में उठो चाओ आज सभा के बीच में होगो तय मंत्री को नहीं कोट कंपिल नहीं कुछ और तुम्हें ती सोमवर मोतनी मरण तो राजा भीम भीम की बेटी राजा भीम भीम की बेटी जाको नाम दमयंती बेटी शादी के बरी हो चुकी प्यारे मेहर बताओ भीम राजा की दिल में उठ रो चाओ हंस सगाई लेके जंग हो गो तेवल लोक में राजा भीम की पत्नी और राजा भीम से कहने लगी महाराज तुम्हारी बेटी दमयंती और भीम सिकल में शादी के बरी हो चुकी कहीं उसका अच्छा घर पर देख के बेटी दमयंती की शादी कर दो वरना तुम्हारी पगिया में खाक मिल जाएगी कोई आपके लिए बोलने नहीं देगा। राजा भीम कहने लगे रानी आपने मेरी आंखें खोली मैं अभी मान सनोवर से हंस और हंसरी के लिए बुलाऊंगा बेटी दमयंती की शादी की चिट्ठी अपने भीम सिकल में बैठ हंस और हंसरी के गले बांध और देवलोक में अवश्य पठाऊंगा क्योंकि देवों में जाएगी तो मेरी बेटी देवी कहलाएगी। और राजा भीम की पत्नी राजा भीम से कहने लगी और ये 51 रुपए का पुरस्कार 900 वर्णा के पिताजी कजेती साहब प्रेमपाल यादव ये 50 रुपया प्रस्तुत पार्टी के नाम तो फरमाते हैं साहबानों के लिए कोठान कोट धन्यवाद। बिल्कुल देखो कौरवन पांडवन मेरे धरे बाजी ते बाजी अकुलूयर क्षेत्र में वारे इते भरे भरे पानयर करण मार दुए रथ जब तीन यर कदम हट जाए इते भरे भरे पानी अरे अर्जुन मार दो के रथ जब सात अरे कदम हट जाए देखो बने सारथी पार रथ बागे बे पाताल को कर सब आए फिर छापा सैयर करण कोई दे गई जो था तो यरे परो पर नाए और ये 20 रुपया श्रीपाल गांव का स्वबस्तोई के रहने वाले और 20 रुपया उदयवीर सिंह गांव का स्व मझोला के रहने वाले ये दोनों मिलकर के 40 रुपया प्रस्तुत पार्टी को नाम का फरमाते में साहबानों के लिए कोठान को धन्यवाद देता हूं। और ये 50 रुपए का पुरस्कार ये 101 रुपया उदयवीर और का नाम बताओ श्री कृष्ण और उदयवीर सिंह ये 101 रुपया प्रस्तुत पार्टी को नाम का फरमाते हैं। और ये 50 रुपए का पुरस्कार 900 वरना ये 900 वरना ठाकुर साहब ये 50 रुपया और 50 रुपए का पुरस्कार बिजनेस और 50 रुपया बीरे और 50 रुपए का पुरस्कार मनोज ये चारों भाई मिलकर के 200 रुपया प्रस्तुत पार्टी को नाम तो फरमाते हुए साहबानों के लिए कोठान को धन्यवाद देता हूं। और भैया लड़की वालों का कहना है कोई भी बराती या रिश्तेदार खाना खाने को रह गए हो वो अत्सिक जाकर के खाना खा ले कोई भी बारात में आप रिश्तेदार खाना खाने को रह गया हो वो अच्छे के जाकर के खाना खा ले बार बार माइक पर नहीं चलने पाए। राजा भीम की पत्नी कहने लगी महाराज देखो कूचली जमे पाव गिर जाएगो तो पगड़ियों में मिल जाएगी
दुनिया में सामरिया यके पिया में हो जाए दो हाथ शादी कर दो ते मंदी की तेरी ऊंची परिया पिया खाक में मिल जाए मेरे कोई बोल न दे वो सैया ना शादी कराए त्यो ते मंदी की रस भरना तारी कह रही बेहाता तार यक शादी करा पाए त्यो रे और ये 50 रुपया बिजनेस और 50 रुपया ठाकुर जी नौसवर्ण और 50 रुपया वीरेश और 50 रुपए का पुरस्कार और ये 50 रुपया मनोज ये चारों भाई मिलकर के 200 रुपया पार्टी के नाम तक फरमाते हैं। मैं सामानों को कोठान को धन्यवाद और ये गांव कस्बा मिलकपुर बिचौला के रहने वाले किशनपाल से ये 50 रुपये प्रस्तुत पार्टी को नाम तो फरमाते हैं। मैं सावानों के लिए कोठान को धन्यवाद देता हूं। देखो मोखे पे भैया बंद जचत है के मोखे पे जचे यले कोटे वो परिवार में साके काबंगो ये से रही सनों के हेलो। और ये कप्ताप सिंह कस्बा मझोला की ओर से और नेकरपाल ये भी मझोला की ओर से ये 50-50 रुपया और हमारे शरण भैया के भांजे ये 100 रुपया देते दूध पीने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। गजबर छाती रे है रे आला भेरे के मोटा गए गज कीरे उनहार अरे आ तो बड़ा के भैया बबर रे शेरन के सोनो टन का दिया रे देखे चढ़े गई बरली मेरे काम चोला की पचास नोट ते कलिया सम्मान देखो को न जाने मेरे बिजनेस भैया को के कल हुआ जग जाने रे संसार राजा भीम कहने लगे रानी आपने मेरी आंखें खोली मैं अभी मान सरोवर से हंस और हंसरी के लिए बुलाऊंगा और सर्दी की चिट्ठी अब सबने बैठ के और बनाऊंगा। राजा भीम किस प्रकार से अरे तेरे कहने को तो लहने कारण ने भावो